दोस्तों, हम हर जगह यही पढ़ते हैं और सुनते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है, यानी कि इसका निर्माण आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के जरिए हुआ था। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि न तो हमने बिग बैंग को होते हुए देखा है और अभी तक न ही हम इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए हैं। फिर भी किस आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है? कहने का मतलब ये है कि आखिर हम कैसे जानते हैं कि हमारे चारों तरफ फैला ये ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। आज की इस एपिसोड में हम इसी सवाल का उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मॉडर्न डे साइंस आज जरूर ये मानता है कि इस ब्रह्मांड का एज 13.8 बिलियन साल है, पर हकीकत ये है कि हमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। 13.8 बिलियन साल इस समय हमारा क्लोजेस्ट एस्टीमेट है, जिसमें कुछ बिलियन साल का अंतर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। एनीवे, चलिए जानते हैं कि हम इस नतीजे पर आखिर कैसे पहुंचे कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन साल है। दरअसल ब्रह्मांड के एज का पता लगाने के लिए हम दो पॉपुलर मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले मेथड में हम इस ब्रह्मांड के फैलने की मौजूदा गति का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे मेथड में हम इस ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारों की उम्र के आधार पर इस ब्रह्मांड के उम्र का अंदाजा लगाते हैं। आइए इन दोनों मेथड्स को विस्तार से समझते हैं। आज हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड न सिर्फ फैल रहा है, बल्कि इसके फैलने की गति भी बढ़ रही है। इस कारण सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। जो गैलेक्सीज हमसे जितनी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं, वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं। अब वर्तमान के ब्रह्मांड को ही लें और समय में पीछे जाएं, तो हम पाएंगे कि ब्रह्मांड के फैलने के कारण जो गैलेक्सीज आज एक दूसरे से काफी दूर हो गए हैं, वो ब्रह्मांड के निर्माण के समय बिल्कुल पास मौजूद होंगे। इस हिसाब से अगर हम ये जान लें कि ब्रह्मांड का कॉम्पोजिशन क्या है और ये निकाल लें कि ब्रह्मांड के फैलने की मौजूदा गति क्या है, तो मैथ का इस्तेमाल करके हम ये आसानी से निकाल सकते हैं कि आज के कितने समय पहले ये गैलेक्सीज एक दूसरे के एकदम नज़दीक मौजूद थे। यानी कि इससे हम ये निकाल सकते हैं कि आज से कितने साल पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ब्रह्मांड के फैलने की मौजूदा गति को हम हबल कॉन्स्टेंट से नापते हैं, और इसी हबल कॉन्स्टेंट की मदद से हम इस ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाते हैं। इस हबल कॉन्स्टेंट की वैल्यू में बदलाव आते रहते हैं। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मेथड्स के आधार पर आज इसकी वैल्यू 65 से 80 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक के बीच में देखने को मिलता है। आइए अब ये जानते हैं कि एडविन हबल ने किस तरीके से इस ब्रह्मांड की उम्र का अंदाजा लगाया था, और आप खुद भी किस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। एडविन हबल के मेथड से ब्रह्मांड के फैलने की मौजूदा गति निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला ये कि कोई पर्टिकुलर गैलेक्सी हमसे कितनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, और दूसरा ये कि उसका रिसेशन वेलोसिटी क्या है, यानी कि वो किस गति से हमसे दूर जा रहा है। कोई गैलेक्सी हमसे कितनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, इस बात का पता लगाने के लिए आज हमारे पास पैरेलेक्स, स्टैंडर्ड कैंडल्स, टाइपीए सुपरनोवाज और द कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर जैसे कई कॉम्प्लेक्स तरीके मौजूद हैं। पर इन सभी तरीकों को इस वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इन्हें हम किसी और वीडियो में पूरे डिटेल में समझेंगे। एनीवे, एडविन हबल ने अलग अलग गैलेक्सीज का डिस्टेंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड कैंडल मेथड का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने सेफाइड वेरिएबल का यूज किया था। आज हमारे पास न केवल हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींचे गए गैलेक्सीज के फोटोज उपलब्ध हैं, बल्कि उनके साइज के आधार पर पृथ्वी से उनकी दूरी का डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। ये गैलेक्सीज के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का प्रैक्टिकल मेथड तो नहीं, पर स्टडी पर्पस के लिए आप इन फोटोज और डेटा का इस्तेमाल कर इन गैलेक्सीज की पृथ्वी से दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर गैलेक्सी की पृथ्वी से दूरी का पता लगाने के लिए तस्वीर में अपने रूलर से उस गैलेक्सी का साइज नापिए, और इस चार्ट का इस्तेमाल करके उस डिस्टेंस को मेगा पार्सेक में कन्वर्ट कर दीजिए। उदाहरण के लिए आपके द्वारा स्केल से नापे गए गैलेक्सी का साइज अगर 20 मिलीमीटर आया,
तो इस ग्राफ के अनुसार पृथ्वी से उस गैलेक्सी की दूरी लगभग 30 मेगा पार्सेक होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया है जिसमें कई सारे गैलेक्सीज के इमेजेस आपको मिल जाएंगे। आप खुद से इस चार्ट के आधार पर ये निकाल सकते हैं कि पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है। चलिए, अब हमें ये पता चल गया कि कोई गैलेक्सी हमसे कितनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद है। अब हमें ज़रूरत है उस पर्टिकुलर गैलेक्सी के रिसेशन वेलोसिटी का पता लगाने की, यानी कि ये पता लगाने की कि वो पर्टिकुलर गैलेक्सी हमसे किस रफ्तार से दूर जा रहा है। इस बात का पता लगता है रेड शिफ्ट प्रॉपर्टी से, जो बेसिकली डॉपलर शिफ्ट का एस्ट्रोनॉमिकल वर्जन होता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप रोड के किनारे खड़े होते हैं और कोई गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आपके पास आ रहा होता है, तो वो गाड़ी जैसे जैसे आपके नज़दीक आता जाता है, उसके हॉर्न का वॉल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ सुनाई देता है। पर वही गाड़ी जब आपको पास करके दूर जाता है, तो उसके हॉर्न का वॉल्यूम भी आपको घटता हुआ सुनाई देता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे वो गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आपकी ओर आता जाता है, उससे निकलने वाले साउंड वेव्स कंप्रेस होते जाते हैं, जिसके कारण उनका वेवलेंथ शॉर्ट होता जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। इस कारण हमें इस साउंड का लेवल बढ़ता हुआ सुनाई देता है। पर जब वही गाड़ी हमें पास करके हमसे दूर जाने लगता है, तो साउंड वेव्स स्ट्रेच होने लगते हैं, इसके कारण उनका वेवलेंथ बढ़ने लगता है और फ्रीक्वेंसी घटने लगता है। इसके कारण इस समय हमें साउंड का लेवल घटता हुआ सुनाई देता है। मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा एमिट किए जाने वाले वेव्स का स्ट्रेच और कॉम्प्रेस होना ही डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिमिलर चीज़ हमें लाइट के केस में भी देखने को मिलता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी ओर आ रहा हो, तो उसके लाइट का वेवलेंथ कंप्रेस हो जाता है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट से आ रहा लाइट स्पेक्ट्रम के ब्लू पार्ट के तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट जब हमसे दूर जा रहा होता है, तो उसके लाइट का वेवलेंथ स्ट्रेच होता जाता है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट से आ रहा लाइट स्पेक्ट्रम के रेड पार्ट के तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस इफेक्ट को हम रेड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सीज को जब हम देखते हैं, तो पाते हैं कि ऐसी कोई गैलेक्सी है ही नहीं जो ब्लू शिफ्टेड हो। हमारे द्वारा ऑब्जर्व किए गए सारे के सारे गैलेक्सीज रेड शिफ्टेड ही हैं, यानी कि वो सब के सब हमसे दूर जा रहे हैं। इस इमेज को देखिए, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है और इसे हबल अल्ट्रा डीप फील्ड फोटोग्राफ कहा जाता है। इस फोटोग्राफ में अलग अलग शेप और साइज के कम से कम 10,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं। यानी कि कुछ पॉइंट्स को अगर छोड़ दें, तो इसमें जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है वो गैलेक्सीज ही हैं। हम जानते हैं कि सभी गैलेक्सीज का साइज लगभग एक जैसा ही होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर में जो गैलेक्सीज हमें जितने ज्यादा छोटे नजर आ रहे हैं, वो हमसे उतने ही ज्यादा दूर हैं। उसी तरह रेड शिफ्ट प्रॉपर्टी के कारण कुछ गैलेक्सीज हमें थोड़े ज्यादा रेड नजर आ रहे हैं और कुछ थोड़े कम रेड। जो गैलेक्सीज जितने ज्यादा रेड शिफ्टेड होते हैं, वो हमसे उतने ही ज्यादा दूर मौजूद होते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग केमिकल्स अलग अलग वेवलेंथ और कलर के लाइट एमिट और अब्सॉर्ब करते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज की अगर बात करें, तो इसमें डस्ट, हाइड्रोजन गैस और तरह तरह के एजेस, मासेस और कंपोजिशन के स्टार्स मौजूद होते हैं। यहाँ हमें गैसेस के रीजन में स्टार्स का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। इस कारण स्पाइरल गैलेक्सीज में हमें यंग स्टार्स देखने को मिलते हैं। ऐसे गैलेक्सीज में जो लाइट हमें दिखाई देता है, वो मेनली उसमें मौजूद ब्राइट हाइड्रोजन गैस रीजन और विशाल पर कम लाइफ स्पैन वाले तारों का लाइट होता है। इस कारण ऐसे गैलेक्सीज से हमें हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्ग एमिशन लाइन देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें एलिप्टिकल गैलेक्सीज की, तो इसमें ज़्यादातर पुराने और ठंडे तारे मौजूद होते हैं। यहाँ न तो विशाल तारों का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और न ही फ्री डस्ट और गैसेज। इस कारण ऐसे गैलेक्सीज से हमें ज़्यादातर आयोनाइज्ड कैल्शियम और हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन लाइन देखने को मिलता है। चूँकि ये गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रहे हैं, जब हम इनका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं, तो ये पाते हैं कि इन एलिमेंट्स के एमिशन और एब्जॉर्प्शन लाइन में इनका वेवलेंथ हमें रेड शिफ्टेड मिलता है। इस रेड शिफ्टेड वेवलेंथ की वैल्यू को जब इनके ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये कितने ज़्यादा रेड शिफ्टेड हैं। इसका इस्तेमाल करके हम आसानी से उनका रिसेशन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ के आधार पर रेड शिफ्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। यहाँ v गैलेक्सी की रिसेशनल वेलोसिटी है और c लाइट की स्पीड है। v बाई सी के रेशियो को रेड शिफ्ट कहा जाता है, जिसे z से भी डिनोट किया जाता है। लैम्डा मेजर्ड वो वेवलेंथ है जो हमसे दूर जा रहे गैलेक्सीज में मौजूद
एलिमेंट्स के एमिशन और एब्जॉर्प्शन लाइन को ऑब्जर्व करने से हमें मिलता है, जबकि लैम्डा ट्रू वो वेवलेंथ है जो हमें उन्हीं एलिमेंट्स को लैब में रख कर उनके एमिशन और एब्जॉर्प्शन लाइन को ऑब्जर्व करने से मिलता है। उदाहरण के लिए NGC-1357 के कैल्शियम के और एच के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को देखिए। इसमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन लाइन की लैब में ऑब्जर्व की गई वैल्यू ये है, जबकि NGC-1357 में मेजर की गई इसकी वैल्यू ये है, यानी कि लैम्डा मेजर्ड 3962 है और लैम्डा ट्रू 3933.7 है। लाइट की स्पीड तो हमें पता ही है, तो इस फॉर्मूले के जरिए हम इस गैलेक्सी की रिसेशनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो कि 2158 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। बिल्कुल इसी तरह हम कैल्शियम एच के वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके भी हम इस गैलेक्सी का रिसेशनल वेलोसिटी निकालेंगे जो कि 2230 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। चूँकि ये दोनों रिसेशनल वेलोसिटी इसी NGC-1357 गैलेक्सी की है और दोनों में अंतर है, हम इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज ले लेंगे जो कि 2200 के करीब आएगा। ऐसे ही हम कुछ और गैलेक्सीज़ के रिसेशनल वेलोसिटीज़ भी कैलकुलेट कर लेंगे। इस वीडियो में हम इन गैलेक्सीज़ का डिस्टेंस निकालना भी सीख ही चुके हैं। इन दोनों डेटा का इस्तेमाल करके हम रिसेशनल वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने इन 11 गैलेक्सी क्लस्टर्स के रिसेशनल वेलोसिटी और उनके डिस्टेंस के डेटा के आधार पर यह ग्राफ प्लॉट किया है। इस लाइन का इक्वेशन y=mx+c के फॉर्म का है, जहां y रिसेशनल वेलोसिटी है, x इन गैलेक्सीज का डिस्टेंस है और m स्लोप है जो कि हबल कांस्टेंट का वैल्यू हमें बताएगा। इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट c 0 है, इसके कारण हमारे लाइन का इक्वेशन अब y=mx हो जाएगा। हबल ने इसी को v=h0d फॉर्म दिया और ये रिलेशन हबल लॉ कहलाया। हमारे इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे लाइन का इक्वेशन ये आएगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन के स्लोप की वैल्यू लगभग 66 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक है, यानी कि ये हबल कांस्टेंट की वैल्यू है। हम जानते हैं कि 1 मेगा पार्सेक 3.09×10⁻¹⁹ किलोमीटर के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ ये वैल्यू रख देते हैं। ये दोनों किलोमीटर कट जाएंगे और हमें हबल कांस्टेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो ये है। हम जानते हैं कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है, यानी कि अगर हमें दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी पता हो तो हम इसी इक्वेशन से ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उन्हें एक दूसरे से इतने दूर जाने में अब तक कितना समय लगा होगा। यानी कि एज ऑफ यूनिवर्स इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज डिवाइडेड बाई रिसेशनल वेलोसिटी, या फिर ये कहें कि एज ऑफ यूनिवर्स इक्वल्स टू डी बाई वी हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो हबल कांस्टेंट वी बाई डी होता था, इस आधार पर एज ऑफ यूनिवर्स 1 बाई हबल कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे कैलकुलेशंस के आधार पर इस ब्रह्मांड का एज क्या निकलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा सॉल्व करके जब हमने इस वैल्यू को ईयर में कन्वर्ट किया तो हमें जो वैल्यू मिला है वो है 14 बिलियन साल, यानी कि हमारे कैलकुलेशंस के आधार पर इस ब्रह्मांड की उम्र लगभग 14 बिलियन साल है। ये यूनिवर्स के करंटली एक्सेप्टेड एज यानी कि 13.8 बिलियन साल के काफ़ी करीब ज़रूर है, पर आज हम इस यूनिवर्स के एज को निकालने के लिए केवल हबल कांस्टेंट के इनवर्स की वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में नॉर्मल मैटर के अलावा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे अननोन चीज़ें भी मौजूद हैं जो इसके फैलने की गति को अफेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारा ब्रह्मांड केवल नॉर्मल और डार्क मैटर से मिलकर बना है तो इसका एज ये हो जाएगा, और अगर हम ये मानकर चलें कि हमारा ब्रह्मांड केवल डार्क एनर्जी से मिलकर बना है तो हमें कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स के एज को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए केवल हबल कांस्टेंट अकेला काफ़ी नहीं है। इसके अलावा हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इस बात का पता हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से चलता है जो कि बिग बैंग का आफ्टर ग्लो होता है। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये ऑब्वियस है कि इसमें मैटर की मात्रा कम होगी और डार्क एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होगी। आज ये वाइडली एक्सेप्टेड है कि हमारे ब्रह्मांड में 68% डार्क एनर्जी,
27% डार्क मैटर और 5% ऑब्जर्वेबल मैटर मौजूद है। आज हमारे पास हबल कांस्टेंट को निकालने के लिए भी कई डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं। इस कारण इसके वैल्यू में समय के साथ कुछ अंतर आता रहा है, जिसके कारण ब्रह्मांड के हमारे कैलकुलेटेड एज में भी थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है। हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पुराना है, क्योंकि थोड़े मोड़े एरर्स को अगर छोड़ दें तो अलग अलग डेटा से जब हम इस ब्रह्मांड के एज को कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा इसी के आसपास पहुंचते हैं। आने वाले समय में इसमें कुछ बिलियन साल का अंतर हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है, पर इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। दोस्तों, स्पेस और साइंस के टॉपिक से तो हम आपको रूबरू करवा ही रहे हैं, पर अपने नॉलेज को आप और बढ़ा सकते हैं कुकू FM का इस्तेमाल करके। इस ऐप पर हर तरह के नॉन फिक्शनल किताबों की समरी आपको हिंदी भाषा में ऑडियो बुक के फॉर्म में मिल जाते हैं, जिन्हें सुनकर बिना बोर हुए कम समय में आप काफ़ी सारी किताबें आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ये तो हुई समय बचाने की बात, अपने पैसे की बचत आप कर सकते हैं सेल्फ लव 50 के कूपन कोड का इस्तेमाल करके, क्योंकि वैलेंटाइन डे के अवसर पर कुकू FM की ओर से आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट, मतलब 399 रुपीस वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन इस समय आपको मिल रहा है मात्र 199 रुपए में। ये ऑफर मात्र 15 फरवरी 2022 तक वैलिड है, यानी कि उसके बाद ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 399 रुपए देने होंगे। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और सुनिए थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स एट द प्राइस ऑफ जस्ट वन बुक। यहाँ पर 1000 प्लस आवर्स का कंटेंट अवेलेबल है। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है और 4.5 से ज़्यादा की रेटिंग मिली है इस ऐप को प्ले स्टोर पे। तो आज करो खुद को सेलिब्रेट कुकू FM के साथ। कुकू FM को डाउनलोड करने की लिंक और कूपन कोड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो जाइए और इस ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। एस्ट्रोनॉमर्स ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स को स्टडी करके भी इस ब्रह्मांड के एज को एस्टिमेट करते हैं। दरअसल इसके जरिए हमें ये पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कम से कम कितना पुराना हो सकता है। ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स में लाखों तारे मौजूद होते हैं, स्पेशली सेंटर में इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्रह्मांड के एज का पता लगाने का ये मेथड एक स्टार के लाइफ साइकिल के हमारे अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। एक स्टार का लाइफ कितना होगा ये उसके मास पर डिपेंड करता है। हाई मास वाले स्टार्स लो मास वाले स्टार्स की तुलना में ज़्यादा चमकीले होते हैं, पर उनका लाइफ कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई मास वाले स्टार्स में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा फास्टर रेट से अकर होता है, जिसके कारण ये कम समय में ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं। वहीं अगर बात करें कम मास वाले स्टार्स की, तो इनका लाइफ लंबा होता है, क्योंकि हाई मास वाले स्टार्स की तुलना में इनका फ्यूल कंजम्पशन का रेट कम होता है। उदाहरण के लिए, हमारे सूर्य जैसे तारे के कोर में इतना फ्यूल मौजूद होता है कि ये अपने मौजूदा ब्राइटनेस को मेंटेन रखते हुए लगभग 9 बिलियन साल तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। किसी तारे का मास अगर हमारे सूर्य के मास का 2 गुना हो, उस तारे का फ्यूल खत्म होने में मात्र 800 मिलियन साल लगेंगे। वहीं किसी तारे का मास अगर हमारे सूर्य से 10 गुना ज़्यादा हो, तो वो हमारे सूर्य से लगभग 1000 गुना ज़्यादा चमकीला होगा, पर उसका फ्यूल मात्र 20 मिलियन साल में ही खत्म हो जाएगा। वहीं अगर इसके उलट बात की जाए, तो किसी तारे का मास अगर हमारे सूर्य के मास का आधा हो, तो वो तारा हमारे सूर्य के मुकाबले कम चमकीला होगा, पर उस तारे का फ्यूल और ज़्यादा धीमी गति से खत्म होगा, जिसके कारण वो तारा लगभग 20 बिलियन साल अपनी चमक बिखेरता रहेगा। ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स में मौजूद सारे तारे लगभग एक साथ ही बने होते हैं, इस कारण हमारे लिए ये कॉस्मिक क्लॉक की तरह काम करते हैं। कोई ग्लोब्यूलर क्लस्टर अगर 20 मिलियन साल से ज़्यादा पुराना है, तो इसमें मौजूद सारे हाइड्रोजन बर्निंग स्टार्स हमेशा 10 सोलर मासेस से कम ही मैसिव होंगे। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन बर्निंग स्टार हमारे सूर्य से 1000 गुना से ज़्यादा चमकीला नहीं हो सकता। वहीं कोई ग्लोब्यूलर क्लस्टर अगर 2 बिलियन साल से ज़्यादा पुराना है, तो उसमें मौजूद किसी भी तारे का मास 2 सोलर मासेस से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमने जब सबसे पुराने ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स को एनालाइज किया, तो पाया कि उनमें मौजूद किसी भी तारे का मास 0.7 सोलर मासेस से ज़्यादा नहीं था। ये लो मास स्टार्स सूर्य की तुलना में कम चमकीले थे। इस ऑब्जर्वेशन से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सबसे पुराने ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स 11 से 18 बिलियन साल पुराने होंगे। चूंकि माँ की उम्र हमेशा बेटे से ज़्यादा ही होती है,
हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कम से कम इतना पुराना तो ज़रूर होगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड के जरिए आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप इस चैनल को और बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स के जरिए हमें डोनेट करके। जिन लोगों ने हमें डोनेट किया है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी विज्ञान के किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।